दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद शमी को एक महान गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक नहीं दो नहीं पांच विकेट चटकाकर मोहम्मद शमी ने न केवल इतिहास लिखा बल्कि लंका को समेटकर टीम इंडिया को बड़ी ही शान से सेमीफाइनल में पहुंचाया। इसके बाद तो हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है, लेकिन सानिया मिर्जा ने अब टीम इंडिया की इस लाजवाब जीत पर भी हमारा मजाक उड़ाते हुए जब हमें खुली धमकी दी तो महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए करारे शब्दों में जो कहा सुनकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे तो आखिर क्यों भारत की जीत के बाद सानिया और धोनी में छिड़ी जंग? उनके बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बुमराह और सिराज में खतरनाक गेंदबाज कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका की टीम इंडिया के सामने उतरी थी, उन्हें लगा था कि 2011 की तरह वो भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन इस मुकाबले में उनकी बर्बादी उनका इंतजार कर रही थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रोहित की पलटन ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। गिल 92, कोहली 88, यहां तक कि श्रेयस अय्यर 56 गेंद पर 6 छक्कों की बदौलत 82 रन बना गए। तो अंत में रविंद्र जडेजा ने भी 35 रनों का बहुमूल्य योगदान देकर अपनी टीम को 357 रनों तक पहुंचा दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना तो लंका के लिए नामुमकिन ही था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि भारतीय गेंदबाज इस कदर लंका को बर्बाद करके रख देंगे। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने आई लंकाई बल्लेबाजों पर रोहित के दो सबसे बड़े हथियार बुमराह और सिराज तो भूखे शेरों की तरह ही टूट पड़े। तो फिर आती है बारी मोहम्मद शमी की, उन्हें अंत में रोहित ने गेंदबाजी दी थी लेकिन सबसे काबिल यही गेंदबाज निकला। श्रीलंका के लिए सबसे बुरा सपना बनकर आए शमी ने पल भर में लंका को तहस नहस करके रख दिया। एक के बाद एक 5 विकेट चटकाकर उन्होंने न केवल अपना पंजा खोला बल्कि पूरी की पूरी श्रीलंका को केवल 55 रनों पर समेटकर उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटकर रख दिया था। उनके लाजवाब गेंदबाजी के दम पर ही टीम इंडिया ने बड़ी ही शान से सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां मोहम्मद शमी जीत के सबसे बड़े हीरो बने, उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। इसके बाद तो हर तरफ जश्न मनाया गया, सभी भारत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सानिया मिर्जा को तो अभी भी मिर्ची लग गई। उन्होंने टीम इंडिया की जीत के बाद कह दिया कि बहुत बहुत बधाई हो भारत और हमारे करोड़ों भारतीय फैंस को, मोहम्मद शमी और हमारे गेंदबाजों के लाजवाब प्रदर्शन के दम पर हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। लेकिन अभी मुझे एक ही डर है कि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में आने वाला है, वो ज्यादा दूर नहीं है, और यदि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में आ गई तो फिर भारत को हारने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कहीं ना कहीं हमसे बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद हैं जो भारत को पल भर में हरा सकते हैं। मुझे पता है कि हर एक भारतीय यही प्रार्थना कर रहा है कि पाकिस्तान क्वालिफाई ना करे, क्योंकि भारतीय टीम क्या करोड़ों भारतीय फैंस भी पाकिस्तान से डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, सानिया मिर्जा ने तो अब हमें ही डरपोक कह दिया। ऐसे में अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुद महेंद्र सिंह धोनी सामने आए। उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप में जो सबसे काबिल है वही सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगा। टीम इंडिया नंबर 1 है क्योंकि हमने उस कदर प्रदर्शन किया है, और रही बात पाकिस्तान की तो उन पर ध्यान देना ही समय की बर्बादी है, वो सिर्फ हमारे एक आम ओपोनेंट है, हम उन पर स्पेशल ध्यान नहीं दे सकते, हमने उन्हें पहले न जाने कितनी बार हराया है, वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक वो हमसे जीत नहीं पाए हैं, तो हमें उन पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए बल्कि फाइनल और सेमीफाइनल जीतने का प्लान तैयार करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो तो सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई करने के लायक है। जी हाँ दोस्तों, सच में अब हर तरफ तो भारत का ही बोलबाला है, जहां धोनी ने केवल सानिया की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।